जय भीम। जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। देर से लाइव के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। सफर में था इसलिए लाइव नहीं कर पाया, इसलिए थोड़ा देर हुई आने में। मगर मैं सोशल मीडिया की, अपने साथियों की ताकत को जानता हूं कि जिस मकसद के लिए मैं लाइव कर रहा हूं, उस मकसद को बहुत कम समय में हमारे बहुजन समाज के, हक वंचित समाज के पहरेदार पूरा कर देंगे। ये जो विशेष लाइव है, ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान को लेकर। सामान्य साथियों, भारत की धरती पर जन्मे, समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। और नमन इसलिए करता हूं क्योंकि उनके विचारों ने हमें वो शक्ति दी है, जिस शक्ति के बदौलत आज हम लोग भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जरिए हक वंचित समाज की आवाज उठा रहे हैं और स्वाभिमान सम्मान का जीवन जी रहे हैं। आज का जो मेरा लाइव है, मैं सब पहली बार आपसे आग्रह करूंगा कि आप बहुत तेजी से उसको हमारे साथियों तक पहुंचाएं, राजस्थान के और उत्तर प्रदेश जो आजमगढ़ के आसपास के हमारे साथी वहां तक पहुंचाएं, क्योंकि भारत में जो साधन संसाधन है वो जिनके पास है वो शासक जमात, और शासक जमात को लिए तो एक छोटा सा काम है, एक ट्वीट कर देंगे तो वो उनकी बड़ी सी खबर बन के वो सारे न्यूज चैनल पर चलेगी, हर घर घर तक पहुंच जाए कुछ ही देर में। लेकिन मेरे पास एकमात्र साधन ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक्स है, ट्विटर जिसको पहले कहते थे, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यही कुछ माध्यम है जिनके जरिए, या इंस्टाग्राम, जिनके जरिए मैं आप तक पहुंच पाता हूं। तो आज का जो विशेष लाइव है वो इसलिए है क्योंकि कल हमारी दो रैली, पहली रैली जो राजस्थान में है, जो हमारी संयुक्त रैली है आरएलपी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन की संयुक्त रैली, इस प्रदर्शन के लिए, जो एकता, जो ताकत बनी है, उस एकता को धरातल पर दिखाने के लिए और अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए हमारी पहली रैली। हालांकि ये अलग है कि हमें बहुत कम समय मिला उस रैली को करने के लिए, आरएलपी ने अपनी तैयारी की है, लेकिन उनके सहयोग को, साथी होने के नाते, सहयोगी होने के नाते, उनके सहयोग को मजबूती से हम लोग करना चाहते हैं। तो मैं राजस्थान के सबसे पहले, क्योंकि रैली एक दिन है तो सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई कहाँ आएंगे, मैं दोनों जगह आऊंगा। सबसे पहले मैं राजस्थान के साथियों से अपील करता हूं कि सुबह का कार्यक्रम मैंने राजस्थान में रखा है, तो मैं आपसे अपील करूंगा, कष्ट है लेकिन अपनों से मैं कह सकता हूं, मुझे आप पे भरोसा है, आपने पिछले 5 साल मेरे एक इशारे पे बहुत सारी जंगें वहां लड़ी हैं, बहुत सारे कमजोरों की आवाज उठाई है, बहुत सारे लोगों को न्याय दिलाया है, और आपने साबित किया है कि जो दर्द आप महसूस करते हैं, जो दर्द समाज उठा रहा है, उस दर्द से सीख लेके आप लोग ताकत राजस्थान बनाना चाहते हैं। इसी के कारण उस बात को, आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए वो गठबंधन वहां हुआ है, और वो गठबंधन आपको शक्ति देगा, उस गठबंधन से जीते विधायक आपकी ताकत बनेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे। और ऐसा भी समय बन सकता है, जिसका मुझे पूरा भरोसा है आपकी मेहनत पे, कि बीजेपी और कांग्रेस को हटाते हुए ये गठबंधन एक नया रास्ता बनाते हुए राजस्थान की कुर्सी पे जो है आपको बिठाने का काम करेगा। आपको अपने बच्चों के हकों का फैसला लेना है, आपको अपने बच्चों के आने वाले भविष्य का फैसला लेना है, आपको इस देश में स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना है, तो आपको राजनीतिक ताकत हासिल करनी पड़ेगी। तो इसलिए पहली जो रैली है वो राजस्थान के जयपुर में विद्यानगर स्टेडियम में, ये विद्यानगर स्टेडियम वही है जहां माननीय काशीराम साहब ने बहुत बड़ी रैली जो है की थी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो आग्रह मेरा है वो ये है कि आपको सुबह जल्दी आना है। हालांकि मैं जानता हूं आप बहुत दूर से आने वाले हैं, आपको तकलीफ होगी, लेकिन मैं इसे प्रेम पूर्वक आपसे आग्रह करता हूं कि आप सुबह 10 बजे वहां पहुंचने का काम करें। ये मेरी पहली रैली है राजस्थान में संयुक्त रूप से, और हमेशा जैसे आपने मेरा साथ दिया कि तमाम तरह की परेशानियां आपके आगे आई हो, आपने मेरे हौसलों को बुलंद किया, कल फिर जो है उस ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि ये ताकत और ये एकता बहुत दूर तक जाने वाली है। और आजाद समाज पार्टी इस अलायंस के जरिए कमजोरों की ऐसी मजबूत आवाज बनने वाली है, जो जुल्म जाति सामंतशाही वहां चल रही है उससे टकराने वाली है। आपने जो संघर्ष किया है 5 साल, उसको आगे बढ़ाने का मौका आ गया। आने वाले 25 दिन आपके हैं, इन 25 दिन में जो आप कर जाओगे वो आने वाले 5 साल का भविष्य तय करेगा, और सिर्फ वहीं का नहीं, पूरे देश में आजाद समाज पार्टी के भविष्य को एक नई दिशा मिलने वाली है, एक नए साथी मिले हैं,
और ईमानदारी से हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आप जानते हैं जब हम साथी किसी को बनाते हैं, हाथ पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। हम वफादार लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और अपने महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, और आप जानते हैं हमेशा हमने कमजोरों का या संघर्ष करने वालों का साथ दिया। तो इसलिए मैं आग्रह करूंगा राजस्थान के साथियों से, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, माओ, बच्चियों, बच्चों, बुजुर्गों, सुबह 10 बजे आना है। हालांकि बहुत लेट हो गया, 7 बज रहे हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि मुझे इस रैली के बाद आजमगढ़ जाना है। आजमगढ़ में हमारी रैली है, वहां के लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर भाई, क्योंकि मैंने पीसी में कहा था कि मैं 29 तारीख की रैली में शामिल होऊंगा जयपुर में, हमारे साथियों के द्वारा ये प्रयास हुआ कि मैं यहाँ की रैली में आ जाऊं, तो वहां से मेरा आपका आपसे आग्रह है कि आपने बहुत तैयारी की है। मैं चाहता तो आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग के ये भी कह देता कि मैं आ नहीं पाऊंगा, और मैं जानता हूं कि आप, क्योंकि ये मैंने आराम करने के लिए नहीं, काम के लिए मैं आपसे ये उम्मीद करता कि मुझे काम की दिक्कत है और मेरे पास काम ज्यादा, इसलिए मैं आपसे अपील करता, क्योंकि यूपी में चुनाव बहुत दूर है, मैं चुनावी लड़ाई नहीं लड़ता हूं, मेरे चुनाव से ज्यादा सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन आगे बढ़ाना मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। और मैं धन्यवाद दूंगा इसके लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे तमाम वो नेता जिन्होंने हमारे साथ मिले, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको आपके यहां मैं 3 से 3:30 बजे के लगभग, अधिक से अधिक 4 बजे के लगभग पहुंचूंगा। मेरी बहुत देर तक वार्ता हुई, वहां के साथी चाहते थे मैं सुबह आ जाऊं, लेकिन समस्या इस तरह से है, जो परमिशन हम लोग चाहते थे वो परमिशन नहीं मिली। और आप जानते हैं किस तरह से समय समय पे भारतीय जनता पार्टी और जिनकी सरकारें जहां पर हैं वो लोग मुझे रोकने का भरसक प्रयास करेंगे, बहुत सारी बाधाएं आगे अड़ाएंगे, लेकिन हमेशा उन बाधाओं को पार करते हुए आपके इस खून ने, आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने, आपके इस अपने ने तमाम बाधाओं को लाके आपको तक पहुंचने काम किया। कल भी मैं पहुंचूंगा, समय लगभग 3:30, 4 बजे का रहेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा सुबह जल्दी ना आके, उत्तर प्रदेश की जो रैली हमारी आजमगढ़ के पास के साथियों की, मैं आपकी शक्ति को जानता हूं। आपने एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को इतनी ताकत दी है कि उसकी एक आवाज पे आज कमजोरों को न्याय मिलता है, ये ताकत आपने मुझे बख्शी। और मैं जानता हूं पूर्वांचल के प्रेम को भी, आपने मुझे वहां चुनाव भी लड़ाया, चीफ मिनिस्टर के सामने मुझे ताकत भी दी, आपने मुझे हिम्मत भी दी, आपने मुझे हौसला भी दिया। समय समय पर जब मैंने आपको दिल्ली बुलाया, आप दिल्ली पहुंचे, लखनऊ बुलाया, लखनऊ में पहुंचे, कल आप वहां रैली कर रहे हैं, एक पैसा जुटा के आपने रैली की व्यवस्था की है। मैं आपके प्यार, आपकी हिम्मत की कदर करता हूं, उत्तर प्रदेश के सभी हमारे सम्मानित नेताओं की, लेकिन मेरा आग्रह है कि कल आपके यहाँ रैली शाम के समय है, आप थोड़ा सा चाहे सुबह थोड़ा देर से आइए, राजस्थान के लोग सुबह जल्दी आइए और आप थोड़ा देर से आइए, क्योंकि आपके यहां मैं 3:30-4 बजे पहुंचूंगा, और पहुंचूंगा जरूर, ये मेरा आपसे वादा है। अगर मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहा, मैं सलामत रहा, तो मैं आपके बीच जरूर पहुंचूंगा और अपनी बात रखूंगा। मुझे उत्तर प्रदेश से बहुत उम्मीदें हैं, और उत्तर प्रदेश जो अन्याय हो रहा है, मैंने कल एक अन्याय देखा, और मैंने आज सुबह उसको उठते ही, मैं रात सो नहीं पाया, सुबह उठते ही मैंने उसको ट्वीट किया, किस तरह से इंदर शेखर को, बस चंद्रशेखर नहीं है, इंदर शेखर है, इंदर शेखर को मारकर लटकाया गया और पुलिस को फोन करके बताया गया कि मार के लटका दिया, लाश ले जाओ। इस तरह का अन्याय, मैंने कई बार सरकार से कहा, मुझे आशा थी कि मुख्यमंत्री जाएंगे, जैसे आप दुबे जी के परिवार से मिलने गए थे, आप इंदर शेखर के परिवार से मिलेंगे, कल हम वहां से फिर सरकार से सवाल पूछेंगे कि क्यों जो है उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान का, मेरे मुसलमानों की, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाइयों की, जो है जिस तरह के साथ उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, जो जाति की जा रही है, उनकी हत्याएं की जा रही है, रेप और तमाम तरह की मुसीबतें जो है महिलाओं पर डाली जा रही है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं दोबारा पुनः इस बात को दोहराता हूं, मेरा पहला जो आग्रह है वो राजस्थान के साथियों से है कि आपको सुबह 10 से 10:30 बजे करीब हर हालत में पहुंचना है, सुबह जल्दी उठना है और अपनी रुखी सुखी खाकर और कुछ साथ लेकर विद्याधर स्टेडियम में पहुंचना है, हमारी एकता को बल देने के लिए, बताने के लिए कि जब हम हाथ पकड़ते हैं तो जब तक कोई दूसरा ना छुड़ाए तब तक छोड़ते नहीं, और जब साथ देते हैं तो उस हद तक देते हैं कि हम अपनी वफादारी साबित करते हैं। तो कल आपसे मैं मिलूंगा जयपुर में सुबह, और उसके बाद मैं पहुंचूंगा 4 बजे अपनी दूसरी रैली में। 2 स्टेट हैं, बहुत दूरी है, बहुत प्रयास किया कि जल्दी पहुंच जाऊं, तमाम तरह के तरीके ढूंढे, लेकिन आप जानते हैं आपके भाई को रोकने के लिए बड़ी कटीली जो है तारे लगाई गई हैं सरकार द्वारा,
कोई परमिशन नहीं दी गई तमाम तरह के रिक्वेस्ट करने के बाद। और मैं समझता हूं, मैं इन सब चीज सीख लेता हूं, हम इतनी ताकत हासिल करेंगे कि कोई मुसीबत हमारे रास्ते में ना आ पाए। मेरे पीछे जिन रहबरों की फोटो है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माननीय दीना भाना वाल्मीकि साहब, माननीय काशीराम साहब, ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने अपना जीवन, और मेरे राइट साइड में फोटो लगी है जो हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी विनय रतन सिंह जी की है। मैं तमाम अपने साथियों से अपील करता हूं कि ये जो महापुरुष हमारे पीछे जिनकी फोटो लगे, इन्होंने अपना एक एक पल, अपने जीवन का एक एक समय इसलिए निछावर किया कि हम इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन जी सके। और आपने हमेशा मेरा साथ देके आज आपने एक अपने नौजवान भाई को इतनी ताकत दी कि राजस्थान में वो एक बहुत बड़ा चैलेंज उठाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मैं आपसे बहुत सारी बातें रेलियो के माध्यम से रखूंगा, मेरे दिल में बहुत पीड़ा है और मैं आपको बहुत बातें कहना चाहता हूं। जब मैं यूपी की रैली में आऊंगा, आजमगढ़ के साथियों से, आजमगढ़ बहुत मजबूत धरती है बहुजन समाज के लिए, वहां बहुजन समाज की बहुत बड़ी ताकत है, हिस्सेदारी है। उत्तर प्रदेश में भले ही बहुजन समाज अन्याय सह रहा हो लेकिन वो बहुत बड़ी ताकत में रहता है, तो मैं वहां भी आके अपनी बात रखूं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप भी वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, और मैं यहां के साथियों से भी अपील करता हूं, जिस तरह से आप हमेशा मेरी एक आवाज पे खड़े रहे, आपने मुझे ताकत दी, हिम्मत दी, और आपने एहसास कराया कि अगर कोई ईमानदार से लड़ता है तो उसके साथ देने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसके कंधे मजबूत करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ही हमेशा इस लड़ाई को जारी रखिए, मेरे साथ भी, और अगर मैं ना भी रहूं तो भी इस लड़ाई को जारी रखिए, क्योंकि लड़ाई चलती रहनी चाहिए। ये लड़ाई परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, ये एक लक्ष्य, जब तक हम लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं तब तक हमें इस लड़ाई को लड़ते रहना। मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो आज अपने घर को छोड़ के इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उन सब साथियों का धन्यवाद देता हूं। और आपसे आज क्योंकि भगवान वाल्मीकि जयंती भी है, भगवान वाल्मीकि जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाई। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि कल आप सुबह मुझे जयपुर में जरूर मिलेंगे अपने झंडे डंडे के साथ, और शाम के समय आप मुझको आजमगढ़ की जो हमारी रैली है उसमें मिलेंगे अपने झंडे डंडे के साथ, एक जोरदार नारे के साथ। मैं आपसे अलविदा कर लेता हूं, और मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह मेरे नौजवान साथी, मेरी माएं बहनें, मेरे बुजुर्ग और इस आंदोलन से प्यार करने वाले लोग कल भी अपनी शक्ति का एहसास दोनों जगह कराएंगे और दोनों जगह मेरा इंतजार करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, पहले जयपुर में और उसके तत्काल बाद आजमगढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा अपने साथियों से, यही हमारा मीडिया है, इसी छोटे छोटे साधनों से हमें बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने हैं। आप मेरी इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने काम करें, इस अपील को पहुंचाने काम करें कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने आपको सुबह 10 बजे जयपुर बुलाया है और शाम में 4 बजे आजमगढ़ बुलाया है, और ये बताने के लिए बुलाया है कि बहुत हुए अन्याय के दिन 4, अब हम ये सहेंगे नहीं, अब हम अन्याय अत्याचार खिलाफ जो लड़ाई हमारी जारी है हम उसको कामयाब करके छोड़ेंगे, राजनीतिक शक्ति हासिल करेंगे, और अब राजनीतिक शक्ति के दम पे अपने लोगों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन और अधिकारों का जीवन जो है देने काम करेंगे, भारतीय संविधान की रक्षा सुरक्षा करके बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार।